हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ईएमटी इलेक्ट्रो मैकेनिक कंपनी दुबई के बारे में, क्योंकि दोस्तों अक्सर इंटरव्यू इसका इंडिया में एनी टाइम चलता रहता है। तो दोस्तों, इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ इस वीडियो में, कि कंपनी कैसा है, इस कंपनी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इस कंपनी में सैलरी टाइम से मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या इस कंपनी में वर्कर को लेकर कोई मुश्किल होता है कि नहीं होता है, बहुत ही जन तो इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में दोस्तों इस कंपनी के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके इस कंपनी के बारे में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा के रखें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहले पहुँच सके। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं दुबई की ईएमटी इलेक्ट्रो मैकेनिक कंपनी के बारे में। दोस्तों, दुबई की ईएमटी इलेक्ट्रो मैकेनिक कंपनी जो है 2010 में बनी थी, यानी इसकी शुरुआत दोस्तों 2010 में हुई थी। दोस्तों, इस कंपनी में लगभग 2 से 3 हज़ार मैन पावर होगा इस कंपनी के पास। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये कंपनी दुबई में काम क्या कराती है। तो आप लोग को बता दें दोस्तों, ये कंपनी दुबई में एसी का काम, प्लम्बिंग का काम, इलेक्ट्रिकल का काम करती है दोस्तों। ज़्यादातर काम दोस्तों ये टेक्निकल काम करती है दोस्तों, बिल्डिंग के अंदर। अगर इस कंपनी में कोई भी फ्रेशर भाई अगर इस कंपनी में इंटरव्यू देता है, अगर इस कंपनी में जाता है, जैसे प्लम्बर हो, डक्टमैन हो, या फिटर हो, या एसी टेक्नीशियन है, इनकी 8 घंटे की सैलरी दोस्तों 1200 से लेकर 1700 दरहम तक लगती है। और बात करें हेल्पर की सैलरी की, तो हेल्पर की सैलरी दोस्तों 1000 दरहम तक सैलरी लगता है इस कंपनी में। और एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, इस कंपनी में आप लोगों को खुद खाना बना के खाना पड़ेगा। इस कंपनी में खाना कंपनी नहीं प्रोवाइड कराती है, आपको किचन फैसिलिटी दे देगी, गैस सुविधा दे देगी, लेकिन खाना आपको खुद बना के खाना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस कंपनी में क्या ओवर टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है। तो दोस्तों, इस कंपनी में 2 से 4 घंटा मैक्सिमम ओवर टाइम मिल ही जाता है, ओवर टाइम को लेकर कोई मुश्किल नहीं होता है। काम के हिसाब से दोस्तों इस कंपनी में ओवर टाइम मिलता है। और रही बात दोस्तों ओवर टाइम की, तो आप लोगों को बता दें गर्मियों में एसी का काम ज़्यादा होता है, तो गर्मियों के सीजन में दोस्तों ओवर टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस कंपनी में टाइम टू टाइम सैलरी मिलता है कि नहीं मिलता है। तो जी है दोस्तों, इस कंपनी में 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के अंदर आपको सैलरी मिल जाता है। तो सैलरी को लेकर कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों, सैलरी पेंडिंग में नहीं रहता है इस कंपनी में, सैलरी 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के अंदर ये कंपनी दे देती है दोस्तों। अब इस कंपनी के फैसिलिटी के बारे में बात कर लिया जाए, तो दोस्तों इस कंपनी में आप लोगों को मेडिकल, इंश्योरेंस, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट और कैंप, सारा कुछ ये कंपनी प्रोवाइड कराती है, और अच्छी फैसिलिटी है इस कंपनी के पास। अगर इस कंपनी में फ्रेशर भाई कोई या रिटर्नर अगर पहली बार जाता है, तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्तों। 2 साल में दोस्तों ये कंपनी 2 महीने की छुट्टी देगी, 2 लिफ्ट सैलरी देगी, टिकट देगी अप डाउन के लिए, और आप लोगों को 2 या 3 महीने की छुट्टी भी देती है। अगर इस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, अगर आपके कोई इमरजेंसी काम पड़ गया, अगर आपको जाना है, तो दोस्तों ये कंपनी छुट्टी दे देती है, लेकिन दोस्तों टिकट आपको खुद अपना लेना पड़ेगा, अपनी टिकट से जाना पड़ेगा। अगर 2 साल आपका पूरा हो गया है तो कंपनी खुद टिकट देगी, अगर 2 साल से पहले आप जा रहे हैं तो कंपनी में आपको खुद टिकट लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन छुट्टी आपको कंपनी दे देगी। तो दोस्तों इस कंपनी में कोई मुश्किल नहीं है, आप सैलरी टाइम टू टाइम मिल जाता है। दोस्तों ईएमटी इलेक्ट्रिको मैकेनिक कंपनी दुबई के बारे में मैं जितनी जानकारी थी दोस्तों इस वीडियो में मैंने दिया है। अगर किसी भाई को दुबई की ईएमटी इलेक्ट्रिको मैकेनिक कंपनी के बारे में और भी जानकारी है, तो दोस्तों अपना फीडबैक और जानकारी कमेंट में इस वीडियो के दे सकता है, ताकि और भी भाई लोग को जानकारी मिल सके। अगर जो भी भाई इस वीडियो को दुबई से देख रहा है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ मैं दुबई में हूँ, दुबई से देख रहा हूँ, ताकि दोस्तों कोई भी इंडिया, नेपाल या बांग्लादेश से अगर कोई भी भाई दुबई आने के बारे में सोच रहा है, तो उन लोगों को भी मालूम पड़ सके, और उन लोगों को हम और आप मिलकर हेल्प कर सकें, ताकि कोई भी भाई सप्लाई कंपनी में न फंसे। तो दोस्तों अगर इस कंपनी का इंटरव्यू कहीं चलता है, तो आप लोग अटेंड कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों डिसीजन आपको है, जाना आपको है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ।
तो इसी कंपनी में नहीं किसी भी कंपनी में जाने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से पता करें, कोई दोस्त हो या कोई रिलेशन वाला हो या कोई भी भाई हो जिससे आप लोग अच्छे से पता करें, जिस पे आप लोग भरोसा करते हो। अगर वो भाई इस कंपनी के बारे में जानता है, डिटेल में बताता है, अगर आप लोगों को भरोसा हो जाता है तो इस कंपनी में इंटरव्यू दें, नहीं तो नहीं दें। बाकी बहुत सारी कंपनी है दोस्तों और बहुत सारी कंट्री है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।